नमस्कार दोस्तों, गुज न्यूज के सेकेंड एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे तो मीडिया का काम होता है सरकार से प्रश्न पूछना और आम जनता, आम आवाम की बात को सरकार तक पहुंचाना। अगर कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है, सरकार ने कोई वादे करे हैं और वायदे पूरे नहीं करे हैं, तो उन वायदों पर लोगों तक, उन वायदों के बारे में लोगों तक खबर पहुंचाना और आम जनता का हित को देखते हुए उनके प्रश्न पूछना। मगर अगर ऐसा होने लगे कि मीडिया ही खबर बनने जाए, मीडिया ही सुर्खियां बन जाए और मीडिया ही आपस में लड़ने लगे, तो कैसा हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में एक मीडिया संस्थान रिपब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा स्कैम का आरोप लगा। तो आगे जाने से पहले, लेकिन मैं आप लोग से इतिहास के बारे में, मीडिया के इतिहास के बारे में आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जनक माने जाते हैं मीडिया का, अखबार का। और 1780 में बंगाल गजट नाम से सबसे पहला अखबार निकाला गया। इसी प्रकार से 1826 में उदन मार्टन नाम से एक अखबार शुरुआत हुई। 1845 में बनारस अखबार, इसी कड़ी में 1850 में सुधाकर साप्ताहिक, 1855 में प्रजा हितैषी, 1913 में प्रभा, 1922 में माधुरी, 1924 में करमवीर और 1949 में कल्पना नाम से अखबार निकले। ये अखबार वो थे जो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, आम भारतीयों की लड़ाई लड़ रहे थे। जनता की ना बोल के लाभार्थियों का बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय में अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए थे और उनके खिलाफ ये अखबार लड़ रहे थे लगातार। और हम ये मान बोल सकते हैं कि अंग्रेज ही सरकार थी एक प्रकार से हमारे देश में, और कई देशों में, कई एशियाई देशों में अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है देशों को। तो उस समय में लगातार मीडिया लड़ाई लड़ रहा था बिना डरे। उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिलती है 1947 में। उसके बाद 1949 में सबसे पहला अखबार लोकतंत्र देश भारत का आता है, उसका नाम है कल्पना। दूसरा अखबार था 1950 का धर्मयुग। और इसी कड़ी में लगातार कई अखबार आए और लगातार कांग्रेस सरकार से, या आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार बोला जाए, इंदिरा गांधी सरकार से भी लगातार कई अखबार सवाल पूछते थे और कभी झुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी अखबार कभी झुके नहीं। और उस समय एकमात्र चैनल हुआ करता था हमारे देश में, दूरदर्शन। उस समय में ये प्राइवेट चैनलों का चलन नहीं था, उस समय सिर्फ एक चलन था और उसमें भी सवाल किए जाते थे। उसमें भी सरकारी संस्थाओं को लेकर के और सरकार के वायदों को लेकर के, उसमें भी कई पत्रकार थे ऐसे जो बिना डरे लगातार सरकार से सवाल करते थे। उसके बाद 2000 में सबसे पहला प्राइवेट चैनल आता है, वो है आज तक न्यूज़ चैनल। आज तक न्यूज़ चैनल के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। आज तक को लिविंग मीडिया ग्रुप नाम से सतीश भदौरिया जी इसके CMD हैं, उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद ABP न्यूज़ आता है, उनके प्रफुल्ल कुमार सरकार जी हैं, मेन ओनरशिप है उनके पास। ऐसे ही CNBC स्टीव बैक नाम हैं उनके जो मालिक है, इंडिया TV के रजत शर्मा हैं, NDTV के प्रेरणा रॉय हैं, राधिका रॉय हैं, ये सब प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं। जो 91 के बाद में निजीकरण जो आया, कि मीडिया के अंदर में निजीकरण आ गया और बड़े बड़े उद्योगपति देश में मीडिया चैनल के मालिक बन के बैठ गए। अब ये तय करने लगे कि हमको देश को कैसे चलाना है। असल में हमारे देश को हम जो सोचते हैं कि सरकारें चला रही हैं, प्रधानमंत्री चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश को कोई प्रधान सेवक नहीं चलाता है, हमारे देश को चलाने वाला असली होता है उद्योगपति। और वही उद्योगपति आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आके बैठ गए हैं। और मजे की बात यह हुई है कि वहां बैठे ऊपरी बड़े बड़े न्यूज एंकर, वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं सरकारों के। चाहे कोई कांग्रेस का हो चैनल हो, कोई BJP का है, कोई कम्युनिस्टों का है, लेकिन है किसी ना किसी के आगे झुके हुए हैं और किसी ना किसी के बारे में कभी कोई खबर नहीं रहती इनमें।
तो इसी मुद्दे पर मैं आया हूं, आज हमारे देश में हो क्या रहा है। आज हमको हमको आज चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है, हमको आज हम मीडिया हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है और हमारा काम है लोगों की आवाज उठाना। लेकिन हो क्या गया है, आज हम सरकार की आवाज बन गए हैं, आज हम सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। तो आप लोगों से इस बारे में यही चर्चा करना था मुझे। हम लोग का एक बॉयकॉट इंडिया न्यूज चैनल नाम से एक पेज हम लोग ने बनाया है। हम ये चाहते हैं अगर मीडिया हो चाहे कोई भी संस्था हो, अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप लोगों को उन चैनलों को बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, मैं खुद एक पत्रकारिता लाइन वाला रहा हूँ, मैं खुद बोलता हूँ अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे आप बॉयकॉट करें और मेरे को सही रास्ते पर लाएं। इसी प्रकार से कोई भी चैनल हो अगर वो राह भूल गया है तो उनको सही राह पे लाना आप लोग का काम है। और आम आवाम देश, एक लोकतंत्र देश में आम आवाम सबसे ऊपर होती है, आम आवाम से ऊपर कोई नहीं है। आम आवाम चाहे तो सबको सुधार सकती है। तो आप लोग से बस यही बोलना चाहूँगा। और आज की डेट में जो मीडिया है जिस हिसाब से काम कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। बॉयकॉट इंडिया न्यूज चैनल का खास मकसद ये है दोस्तों, जो ऐसे चैनल हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार के तरफदारी करते हैं, सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं, ऐसे संस्थाओं को हम बॉयकॉट करें ताकि लोगों तक गलत संदेश ना जाए। एक मीडिया, एक चैनल जब एक बहुत बड़े लेवल पे काम करता है और उसमें हजारों लाखों कर्मचारी काम करते हैं तो उसका एक संदेश पूरे देश भर में, और सिर्फ ना सिर्फ देश भर में, पूरे विश्व में बहुत अलग जाता है। तो आप लोग से यही पहली विनती है कि इस पेज से आप जुड़े, बॉयकॉट इंडिया न्यूज चैनल पेज। इस पेज को बनाने का हमारा जो मकसद है असली, वो ये है कि ऐसे चैनल जो स्कैम्स करते हैं, जैसे रिपब्लिक टीवी अर्णब गोस्वामी जी का है, उन्होंने उसमें स्कैम किया, फर्जी लाइक्स वीडियोस वो सब करे, उसके अलावा फर्जी फेक न्यूज उन्होंने वो लेकर के आए। तो इस तरह के जो न्यूज चैनल हैं उनको हम बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दें, जो पूरी तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता बनकर के काम कर रहे हैं। उनका मकसद केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है और लोगों को पूरी तरीके से जागरूक करने की बजाय लोगों को भ्रष्ट करना है, लोगों की खबरें नहीं बतानी बल्कि लोगों को लड़ाना है आपस में। इन चैनलों की वजह से देश भर में दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ाई जाते हैं। आज जो चैनल्स हैं, आज वो सिर्फ चैनल नहीं, आज खबर देने के लिए नहीं है, आज ये सुप्रीम कोर्ट बन गए। सुप्रीम कोर्ट मतलब जहां पर ये फैसला सुनाते हैं, ये बोलते हैं कि ये सरकार अच्छी है ये खराब है, आप इसको वोट दीजिए इसको ना दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आम आवाम के लिए काम करना है। मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं भी पिछले 11-12 साल से अलग अलग संस्थाओं में काम किया है मैंने, न भारत, दैनिक भास्कर, और एक चैनल के साथ भी मैं मार्केटिंग में जुड़ के काम किया। तो मैंने उस चैनल जी न्यूज़ में मैंने काम किया करीब करीब 2-3 साल, उसमें मैंने मार्केटिंग का काम किया था रायपुर में। तो मैंने वहां जाना कि कैसे ये चैनल अपनी TRP बनाने के लिए कुछ भी खबर आप लोग को प्रसारित कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो यहाँ के जो चैनल हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करेंगे, और विपक्षी दल खराब हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी है, वो यहाँ की मतलब जहाँ स्टेट लेवल में, और जहाँ चैनल मेन दिल्ली जैसे राज्य में बैठा हुआ है वहाँ पर केंद्र राज्य के लिए पूरी काम करेंगे। तो वहाँ अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो कौन बुरखे में कौन छात्र आए और आ करके नारा लगा के चले गए। हालांकि उसके बाद में बहुत नाटक हुआ, बहुत ड्रामेबाजी हुई कि उस समय में अध्यक्ष ये थे कन्हैया कुमार थे CPI के, तो उनके ऊपर ब्लेम लगा, उन्होंने ये नारे लगवाए और खुद नारे लगाए और
इस तरह की गतिविधियां उस यूनिवर्सिटी में होती। अब सोचिए आप एक वो यूनिवर्सिटी जहां पर टैलेंटेड होशियार से होशियार बच्चे जाते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं और गरीब घर से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि अपनी वो पढ़ाई कर सके, जिनके परिवार किसान परिवार हैं, उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है हमारी केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें पूरा साथ दे रहा है हमारा मीडिया। मतलब आज तक 70 साल आजादी से पहले से आज तक मैंने ऐसी हालत अपने ही देश की क्या दूसरे देश के मीडिया की नहीं देखी होगी। दूसरे देश में भी मीडिया है, वहां भी सरकारें हैं, वहां भी लोकतंत्र है, लेकिन इस तरीके से कोई मीडिया काम नहीं करता। और अभी 6 साल में तो पूरा जंगल राज हो गया है। अच्छा, ये पैटर्न को, हमारे साहब मोदी जी के पैटर्न को आज कांग्रेस भी सीख गई है और आने वाली जो सरकारें हैं वो भी इसी तरह काम करेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि आम जनता तो बेवकूफ है ना, वो वोट दे आप लोगों को और आप लोग राज करो, है ना, आप लोग उल्लू बनाओ। और ये चैनल्स इसलिए इस तरीके के काम करते हैं क्योंकि हमारे देश के जो असली मालिक हैं वो हैं बड़े बड़े उद्योगपति। हमारे देश को मोदी साहब नहीं चला रहे हैं, हमारे देश को गांधी परिवार नहीं चला रहा था इतने सालों से, हमारे देश को अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। ये हकीकत है, एकदम हकीकत है। और ये हकीकत और सिद्ध इसलिए हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा मैं दूसरे देश की तरफ ले जाऊंगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ट्रंप अमेरिका में पहली बार ऐसा आदमी राष्ट्रपति बना जो 2016 में जो बहुत बड़ा उद्योगपति पहले से ही था, उनका पूरा परिवार उद्योगपति था, मतलब उनके पिताजी के समय से कारोबार चलता था और लाखों करोड़ों अरबों मिलियन टन मिलियन काम होता था, बहुत पैसा इनके पास में। और आज देखो 4 साल बाद में आज क्या हालत आज अमेरिका की हो गई। आज अमेरिका से न्यूज़ आ रही है किस तरीके से संसद में गुंडे भेज दिए जाते हैं। बस बिल्कुल हमारे देश का वही हालत होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन हाँ, पीछे से यही लोग देश चलाते हैं और आज से नहीं पहले से ही। तो आप लोग से हम ये भी विनती करेंगे साथ के साथ, हमारा सिर्फ मकसद आप लोगों तक खबर पहुंचाना नहीं है बल्कि एक मुहिम चलाना है कि साहब आप लोग अलर्ट हो जाइए। अगर अपने बच्चों को भूखे नहीं मारना चाहते हैं, उनके रोजगार चाहते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो आप लोगों को आज आगे बढ़ करके एकजुट होना होगा और बॉयकॉट चैनल्स, बॉयकॉट पॉलिटिकल पार्टीज, इस पर पूरा एक अलग से मैं एपिसोड बनाऊंगा कि हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बॉयकॉट करते हैं आने वाले चुनाव में, अगर हम वोट नहीं देते हैं तो किस तरीके से इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये हकीकत है, हमारे संविधान में हैं ऐसे नियम जिसके तहत अगर आप वोट नहीं देते हो, अगर 90% जनता वोट नहीं डालती है तो चुनाव अपने आप निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो उस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आप लोगों के सामने बताऊंगा कैसे क्या। और हमारी असली मुहिम यही है कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं उनको पूरी तरीके से उनकी जो स्कैम्स हैं, उनकी जो असली सच्चाई है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं हमारी संस्था किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, ठीक है। गूंज संस्था पहले भी चलती थी, 2020 से पहले हमारी मैगजीन निकलती थी, तब भी हमारे मैगजीन में किसी भी नेता का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी पार्टी का कभी ऐड नहीं आया, कभी विज्ञापन नहीं आया। तो हमको तो ना वो उस समय दबा सके ना अब दबा सकेंगे। और अब हम और तेजी से, आप लोग का साथ रहा तो और मजबूती से आप लोग के साथ चलेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और इसी तरह के रिपोर्ट्स मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। तो आप लोग से मेरी विनती है कि आप लोग समझ जाएं, आने वाले समय में अगर आपको अपना सब कुछ नहीं बेचना, अगर आप एक अच्छे देश की, एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, अगर आप वास्तव में अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो अलर्ट हो जाइए। किसी के भक्त मत बनिए, किसी भी नेता के, किसी पॉलिटिशियन के अगर भक्त बनना है तो उन शहीदों के बनो जो अपने घर से, जो अपने घर में फौजी, जो अपने परिवार छोड़ करके शहीद हो जाते हैं, उनके उनके उनको अपना आइडियल बनाइए आप,
उनके आप फैन बनिए, उनके आप भक्त बनिए, और अपने हर घर से एक बच्चा फौज में जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। कई देशों में है आज भी ऐसा, कई देशों में आर्मी में देश का हर बच्चा, हर घर से बच्चा है। आप लोगों को भी अगर भक्त बनना है तो उनका बनिए, भक्त बनना है तो भगत सिंह का बनिए, उन क्रांतिकारियों का बनिए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी जान। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आप लोग से यही इल्तिजा है कि आप लोग सतर्क हो जाएं और हमारे पेज से जुड़े। बॉयकॉट इंडिया न्यूज चैनल, बॉयकॉट इंडिया न्यूज चैनल का मकसद यही है कि आप लोग को जागरूक करना है, आप लोग को इनकी सच्चाइयां बतानी है, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया संस्था से हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है, किस पैटर्न में काम करता है, इन लोग की क्या कालगुजारी है, किस तरीके से ये लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से सरकार के पूरी तरीके से सपोर्ट में काम करते हैं सरकार के, और अच्छा खासा मुनाफा होता है इनको और अच्छा खासा विज्ञापन मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही चाहूँगा, विदा दीजिए। कल फिर मैं आपके साथ नए रिपोर्ट को लेकर के आऊँगा। आज तो एक शुरुआत थी, कल से मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगह की खबरों के बारे में बताएंगे, और हो सके तो हमारा कोशिश ये डेली तो हम लोग वीडियो दे ही दें आपको, उसके साथ साथ और भी न्यूज़ और भी खबरें, दिन भर की खबरें दें, स्लॉट्स भी चलेंगे हमारे अलग अलग, और अलग अलग यूट्यूब चैनल में अलग अलग क्या बोलते हैं आर्टिकल्स, अलग रिपोर्ट्स, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए गूंज न्यूज़ से, और प्यार देते रहिए गूंज न्यूज़ को। आज के लिए शिव कुमार सिंह को विदा दीजिए। नमस्कार।